आई लव यू, आई लव यू सीमा। हमारे वहां पर तो बेटियों की शादी कैसे, कब और कहां हो जाती है माँ बाप को पता भी नहीं चलता। ऐसा आपके यहाँ होता होगा, पर हमारे यहाँ हमारी बेटियां हमारी इज्जत होती है। चिंता चिता के समान होती है, जो इंसान को मिटने तक अपनी आग में जलाती ही रहती है। इसलिए कृष्ण के लिए चिंता करना छोड़ दो। इंक्वायरी? मगर किस लिए? डैड, कल रात कुछ लड़के शराब के नशे में सड़क पर खड़ी एक कार से चोरी कर रहे थे, और उनका कहना है कि हमारा क्रिश भी उन लड़कों के साथ था, और वो शराब के नशे में था। इसका मतलब क्रिश ने चोरी की, उसने शराब भी पी। ये सब करते हुए उसे जरा भी अपने परिवार का ख्याल नहीं है? वो इस बात से अनजान है कि उसने अपने मां बाप को उनकी ही दी हुई परवरिश में फेल कर दिया। हमारी परवरिश, हमारे दिए हुए संस्कार उसने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। कितना भरोसा था मुझे अपनी औलाद पर, और आज उसी औलाद ने मुझे धोखा दिया। इस बात के लिए मैं कृष्ण को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर उसने जुर्म किया है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे कृष्ण से गलती हो गई है, लेकिन ये वक्त उससे नफरत करने का नहीं है। उसके पास जाकर उसे सपोर्ट करने का है। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा कृष्ण बेकसूर ही हो। हो सकता है। हाँ डैड, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त हम सबको कृष्ण को सपोर्ट करना चाहिए, और पहले पुलिस स्टेशन चले तो सही, पता तो करें क्या सही है क्या गलत है। इसे चाहिए ना, मेरे कृष्ण को घर वापस लेकर आइए, चाहिए ना प्लीज। चलिए डैड, अब बिना कुछ सोचे सबसे पहले हमें कृष्ण के पास पहुंचना होगा। He needs us. वो पता नहीं किस हाल में होगा, कितना घबराया हुआ होगा। प्लीज चलिए, प्लीज। रात मैंने अपने दिल की बात लिखकर भारती को भेजी थी, देखती हूँ क्या जवाब आया। अरे ये क्या, भारती ने तो मेरे मेल का जवाब ही नहीं दिया। ये हो क्या गया भारती को, ना कॉल किया ना मेल भेजा, इतना कहां बिजी हो गई है। अभी उसे डांट कर पूछती हूं।
भारती ने फोन कट कर दिया या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर से ट्राई करते हैं। ये क्या फिर से फोन कट कर दिया? भारती, ये तुझे हो क्या गया है? कल से ना मुझे फोन किया है, ना मेरे मेल का जवाब दिया है, और मेरा फोन क्यों बार-बार काट रही हो? अब सब कुछ ठीक है ना? ये अपनी सीमा को भूल गई? भारती, हेलो, भारती कुछ बोलो भी। Can you hear me? सीमा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। एक मिनट, बाद में बात करती हूँ। भारती, बात क्या है? तुम कुछ अपसेट लग रही हो, सब ठीक है ना? देख सीमा, एक प्रॉब्लम हुई है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ओके? क्या हुआ भारती, मुझे बताओ तो सही। सीमा, मैंने कहा ना, I'll call you later. Please don't mind, मैं करती हूँ फोन, bye. Hello? क्या हुआ होगा? जरूर कोई सीरियस बात है। आज ये ऑनलाइन भी नहीं आ रही है, ना ही कोई मैसेज छोड़ा है। उसका मेल चेक करती हूँ। ये वही भारती जिसने मेरे बर्थडे पर Happy birthday to you, Happy birthday dear Seema, Happy birthday to you, dun, dun, dun. Thank you so much. जाइए, जाकर दरवाजा खोलिए, आपके लिए हमारा गिफ्ट इंतजार कर रहा है। Oh my God, perfect timing, huh? Yes. खोल दियो। वाह भारती, तुमने क्या क्या भेजा है? बुके, केक्स और माय स्वीट गिफ्ट। Thank you so much, भारती। Thank you so much. You're most welcome. अच्छा सुन, सबसे पहले तुझे बर्थडे विश मैंने किया ना? और सबसे पहले बर्थडे केक, फ्लावर्स और गिफ्ट भी तुझे मेरे मिले ना। हाँ, और इससे पूछने वाली क्या बात है भारती, मेरी हर खुशी में सबसे पहले बधाई तो तुम ही देती हो, है कि नहीं? हाँ सीमा, दुख हो या सुख, मैं हमेशा तेरे साथ। यू हैव अ फैंटास्टिक ईयर अहेड एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, ओके? Love you. Take care. Bye. मगर आज भारती को हो क्या गया है? जो लड़की मेरी हर खुशी पर, मेरी हर कामयाबी पर मुझे 500 फोन किया करती थी, मेरे लिए गिफ्ट भेजती थी, आज उसने मेरी सगाई के बाद मुझे बधाई देने के लिए एक फोन तक नहीं किया। और जब मैंने सगाई से पहले खुद उसे फोन किया था तो वो कुछ अपसेट सी लग रही थी। हे भगवान, मुझे लगता है कि भारती के साथ जरूर कोई बड़ी घटना घटी। हे भगवान, मेरी भारती की मदद करना, उसके साथ सब ठीक करना भगवान, सब ठीक। नहीं, 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 ये एक मिनट। हाँ, इसे पकड़िए। ऐसे? हाँ ये, हाँ
इसे पकड़िए। अरे ये अच्छी है वैसे, हाँ। है ना? जरी काम भी बहुत अच्छा है, हाँ। ऐसे मत करिए ना। क्या? एक मिनट, इसको ट्राई करते हैं। अरे मुझे इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़। हाँ, ये पकड़। हाँ, ये छोड़ दो। ये भी छोड़। इसको पकड़िए। हाँ, ये पल्लू भी अच्छा लग रहा है ना? ओह मीना, ये क्या कर रही हो? ये मेरा काम है। मॉडल की तरह साड़ी पहनाकर मुझे खड़ा कर दिया है। ऐसा करो वैसा करो, बुलाओ ना सीमा को, बुलाओ ना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेटी की शादी है ना, पता तो चले कि कैसी साड़ी लग रही है पहन के। मुझे, मुझ पर कैसे अच्छी लगेगी वो सीमा? आप पर तो कुछ भी सूट नहीं करता। अरे सीमा आओ बेटा, आ जाओ। अच्छा सीमा बेटा, शादी के लिए साड़ियाँ पसंद कर लो, वरना तुम्हारी माँ मुझे सारी साड़ियाँ पहना देगी। और ऐसे पोज करने के लिए अच्छा लगता है ये? ठीक से पहन तो नहीं सकते। मैं कैसे पहन? ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए साड़ियाँ निकाल के रखी, जो तुझे पसंद हो वो बता देना। वैसे सच कहूँ, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगा, और ये इसका पल्लू तो बहुत ही प्यारा है, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। देख तू, है ना? अच्छी है मम्मी। अरे ये कोई बात हुई? मैंने पसंद कर ली, तूने हाँ कर दी। तेरी अपनी पसंद भी तो पता चलनी चाहिए ना। तू बता, तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? सब अच्छी है मम्मी। बात क्या, इतने उदास क्यों है? मम्मी, भारती के लिए परेशान हूँ। उसे वहां कोई प्रॉब्लम है, और उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। बस उसी को लेकर टेंशन हो रहा है। इसमें इतना टेंशन वेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अब तू टेंशन मत ले, अगले हफ्ते तेरी शादी है, तो जल्दी से तैयार हो जा, हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। नहीं मम्मी, मैं अभी 3-4 दिन कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी सगाई की वजह से मेरी ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही है? अरे तू तो स्कॉलर है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। अब चल शॉपिंग के लिए। हा? नहीं मम्मी, मैं एग्जाम के लिए लापरवाही नहीं कर सकती, और वैसे भी एग्जाम एक बार आता है। जिंदगी में शादी भी सिर्फ एक ही बार होती है, और शादी से ज्यादा एग्जाम को अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो मुझे वहाँ आसानी से एडमिशन मिलेगा। सीमा बेटे, जाओ तुम जाओ। तुम्हें पढ़... मीना, सीमा बिल्कुल सही कह रही है, तो पढ़ने दो ना उसे। शादी के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। और तुम चाहो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर। साड़ियां पहना कर तो देख चुकी हो, अब गले में हार। नहीं, जरूर नहीं थी। जब देखो तब मजाक करते रहते हो। मुझे तो लगता है इस घर में शादी का टेंशन सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं है। नहीं, मुझे तो बस... सीमा, ये पूजा पाठ करना मम्मी का काम है, लेकिन आज ये दिया मैंने अपनी भारती के लिए जलाया। भगवान, मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त किसी मुसीबत का सामना कर रही है, और उससे भी दुख की बात है कि आज मैं उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन आप तो हर जगह हैं भगवान, अपने आशीर्वाद से उसकी हर मुसीबत का अंत कर दीजिए। क्या बात है,
आज इतने सालों में पहली बार तुझे दिया करते हुए देखा है। मम्मी, ये दिया मैंने भारती के लिए जलाया है। वो वहां इतनी दूर कनाडा में किसी मुश्किल में है और मैं दौड़कर उसके पास जा भी नहीं सकती। जब तुझे पता है कि तू जा नहीं सकती तो परेशान क्यों हो रही है? छोड़ दे टेंशन। मम्मी, आप भी तो मुझे अपने से दूर कनाडा भेज रही हैं। कल को वहां मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या आप कुछ नहीं करेंगी? बोलिए मम्मी, चुप क्यों हो गई? मैं जानती हूँ कि अगर वहां मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसी तरह से मेरा और भारती का दोस्ती का रिश्ता है। जब एक को तकलीफ होती है तो दूसरा खुद ब खुद तकलीफ में आ ही जाता है। सीमा बिल्कुल सही कह रही है। हम इसे इतनी दूर प्रदेश भेज तो रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कल इसे वहां कोई तकलीफ होगी, दुख होगा तो हम क्या करेंगे? हम किस तरह से इसकी मदद करेंगे? यही तो सोचकर मैंने अपनी बेटी का रिश्ता मीनाक्षी जी के घर में किया है। मैं जानती हूं मेरी बेटी उस घर में राज करेगी। उसकी जिंदगी में कभी दुख का साया भी नहीं पड़ेगा। भगवान करे ये सब सच हो जो तुम सोच रही हो, पर मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हम वहां इसके साथ हों ना हों, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा इसके साथ हो। क्रिश, तू आ गया बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या कर दिया तुमने क्रिश? क्यों किया ऐसे? तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई क्रिश, तुम्हें। मां, आप भी ऐसी बात करें? आप भी ऐसा सोच सकती हो कि आपका बेटा इतना गिर सकता है? हाँ मम्मा, कृष बेकसूर है। इसका कसूर तो सिर्फ इतना है कि ये पुलिस को उस जगह पर मिला जहां कुछ आवारा लड़के शराब पीकर गाड़ी से चोरी कर रहे थे। बस कृष ने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और पुलिस ने समझा कि ये भी उन लड़कों के साथ चोरी में शामिल है और इसे भी अरेस्ट कर लिया। फिर भी गलती तो की है इसने, शराब पी ली। क्यों क्रिश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे?
मुझसे गलती हो गई माँ, आई एम रियली सॉरी। बस सॉरी, शर्म आती है मुझे तुम पर क्रिश, शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए। शराब की बदबू अभी भी आ रही है तुम्हारे मुंह से। घर छोड़ दिया तुमने, अपने घर वालों का जरा भी ख्याल नहीं आया मन में, नहीं सोचा तुम्हारे लिए कितनी परेशान होगी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिता, किसी का ख्याल नहीं आया। हम क्या लेकर कनाडा आए थे? यहां दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके मैंने इज्जत के साथ ये साम्राज्य बनाया, और इसलिए एक पल में उसे मिट्टी में मिला दिया। पुलिस स्टेशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कैसे कहूं कि ये मेरा बेटा है, छोड़ दीजिए इसे, इसे इस हरकत की क्या सजा दूं मैं? एक बार तो मन किया कि इसके नाम के पीछे से अपना नाम हटा।